Hello friends, now we have started a session number 9, chapter number 5, Origin and Evolution of Life. So now in this session, we are studied about evidences of organic evolution. हम लोगों ने last session में paleontology का study किया था fossils, उससे एक connected link है. So now next is the evidences of organic evolution or the connecting link. So connecting link आज हम लोग फॉसिल के आगे पैलेंटोलॉजी का टॉपिक जो था उसके आगे ये छोटे से टॉपिक्स हैं कनेक्टिंग लिंक. सो दीज आर द पैलेंटोलॉजी में ही वो टॉपिक आ सकता है ये एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. सो व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक? कनेक्टिंग लिंक आर आल्सो कॉल्ड एज अ मिसिंग लिंक. सो नाउ कनेक्टिंग लिंक इज अ डिफाइंड एज एन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशनल स्टेट बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म. तो कनेक्टिंग लिंक को हम लोग इंटरमीडिएट या ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के एक ट्रांजिशनल स्टेट है या इट इज़ अ मिसिंग लिंक. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अभी फॉर एग्जांपल एम्फीबिया किससे बने? फिश से. एम्फीबिया से क्या बना है? रेप्टेलिया और एम्फीबिया की कनेक्टिंग लिंक है. रेप्टेलिया से एव्स बने, बर्ड्स बने, तो उसकी कनेक्टिंग लिंक है. सो दीज आर द मिसिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मिसिंग लिंक. सो इट इज़ अ इंटरमीडिएट और ट्रांजिशनल स्टेट बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरमीडिएट और ट्रांजिशनल स्टेट है किसी भी दो ऑर्गेनिज्म की, इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक. इट शो कैरेक्टर ऑफ बोथ द ग्रुप्स. दोनों ग्रुप के वो कैरेक्टर रिसेंबल करता है. ओके, सो कनेक्टिंग लिंक में हम लोग फर्स्ट देखें कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया. सो एम्फीबिया इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स विच डेवलप अ लिम्स. जो एम्फीबिया थे जो पहले ग्रुप है वर्टिब्रेट्स के जो डेवलप, उन्होंने क्या डेवलप किया? लिम्स एंड एबल टू लिव इन अ वाटर एज वेल एज ऑन अ लैंड. तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो लैंड में भी रहता है और पानी में भी. सो एम्फीबिया मीन्स बोथ हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक. सो दे आर डेवलप अ लिम, देयर फर्स्ट वर्टिब्रेट टू डेवलप अ लिम. पानी से कहाँ पे आ गए? जमीन पे आ गए. ओके, एंड नाउ दिस आर द वेरी सिंपल एंड प्रिमिटिव एनिमल. एम्फीबिया शोज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ सर्वाइवल स्ट्रैटर्जी. तो ये जो एम्फीबिया है इट शो अ वाइड स्ट्रैटर्जी ऑफ सर्वाइवल. ओके, सर्वाइवल की जो वाइड स्ट्रैटर्जी है इट डेवलप बाय द एम्फीबिया. सो वर्स फर्स्ट टेट्रापोडा द एम्फीबिया इवॉल्व अराउंड 395 मिलियन ईयर एगो. तो 395 मिलियन ईयर एगो में फर्स्ट टेट्रापोडा क्या हुए थे? इवॉल्व हुए थे ड्यूरिंग डिओनियन पीरियड. ड्यूरिंग डिओनियन ये एरा है, पीरियड है. ओके, उस पीरियड में एम्फीबियन क्या हुए थे? डेवलप. तो हम लोग एम्फीबियन का वन बाय वन एग्जाम्पल देखते हैं. सो नाउ दीज आर द स्पेशीज ऑफ कोलेकैंथ. दिस कोलेकैंथ जो स्पेशीज है, ओके, दीज आर फ्लैश फिन्स. कोलेकैंथ को क्या बोलते हैं? फ्लैश फिन. विद इन इट शोइंग अप बोथ द कैरेक्टर. लंग फिश के भी कैरेक्टर है और फिशेज की भी कैरेक्टर है. लंग फिश मड में पाई जाती है, एम्फीबियन टाइप, और फिश पूरा पानी में पाई जाती है. इसमें दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट है. तो स्पेशीज ऑफ कोलेकैंथ, इसको क्या बोलते हैं? सरको टेरिजियन फिश. सो ये जो फिश है थोड़े से कैरेक्टर एम्फीबियन के थोड़े से दिखाता है, बिकॉज लंग फिश और फिश के कैरेक्टर दोनों इसमें प्रेजेंट है. तो अभी ये जिंदा पाया जाता है, कुछ कुछ समुद्र में कभी कभी तो मिलता है बहुत सालों के बाद. तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि थोड़े से लिम डेवलप हुए हैं. ओके, लिम जैसे डेवलप हुए ना, तो ये जमीन पे थोड़े से लंग फिश के कैरेक्टर डेवलप उसने किए हैं. बट द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड फिश एंड एम्फीबिया इज अ सी मोरिया. तो हम लोग यहाँ पे एम्फीबियन के कैरेक्टर देख रहे हैं. नाउ ऑर्डर स्टेगोस्टेजिया इज अ मिसिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियन. आपको जो नीचे एनिमल दिख रहा है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया. हम लोग फिश और एम्फीबिया की कनेक्टिंग लिंक दिख रहे हैं. तो इट आर द स्टेगोस्टेजिया ICHTHYOSTEGIA.
सो नाउ स्टेको स्टेजिया, इसके ऑर्डर अलग है, स्टेको स्टेजिला स्टेजिलिया लिया है, मगर उसका इस एनिमल का नाम, जो एनिमल का मीन्स जो कनेक्टिंग लिंक है फिश और एम्फीबियन, इसका नाम है स्टेगो स्टेजिया। सो इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियन। सो इट शोइंग बोथ द कैरेक्टर ऑफ फिश एज वेल एज एम्फीबियन, दोनों के कैरेक्टर दिखाता है। ओके, इट इज़ अ फर्स्ट टेट्रापोडा बिकॉज द लिम्स आर डेवलप, उसने क्या डेवलप किया है, लिम्स, एंड फर्स्ट टेट्रापोडा विच इज प्रेजेंट इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एज वेल एज लैंड एंड एक्वेटिक हैबिटेट। सो इट अपीयर इन द लेट डिओइन पीरियड, ये अपीयर कब हुआ है, लेट डिओइन पीरियड्स। ओके, नाउ दिस एनिमल्स शोइंग अ सेमी एक्वेटिक लाइफ स्टाइल, सेमी एक्वेटिक लाइफ स्टाइल, द देयर टेल इज अ मस्क्यूलर, फिश की टेल जो है मस्क्यूलर रहती नहीं, रेप्टाइल की टेल कैसे रहती है, मस्क्यूलर, द टेल इज अ मस्क्यूलर विथ रे सिमिलर टू दैट फिश, तो ये मस्क्यूलर है विथ रे सिमिलर टू द फिश। तो दिस एनिमल शोइंग अ बोथ द कैरेक्टर्स एम्फीबिया एज वेल एज फिश कैरेक्टर्स। तो नाउ यहाँ पे देखो, इसमें फिश के कैरेक्टर देखते हैं, पाइसिनली कैरेक्टर लिखा, ऑटोस्टाइलिक जॉ, उसका जॉ जो है ऑटोस्टाइलिक है, इंटरनल नेरिस है, ये इंटरनल नेरिस लैटरल लाइन सिस्टम है, लैटरल लाइन सिस्टम से फिश में प्रेजेंट रहती है, तो इसके ऊपर एक लैटरल लाइन फिश प्रेजेंट है। देखो फिन रे इज काउडल फिन, जो फिन रे जो है इट इज़ अ काउडल फिन। ओके, सो जो पूछ की जो फिन है वो दिस आर द काउडल फिन, तो ये पाइसिन कैरेक्टर है। ऑटोस्टाइलिक जॉ, ऑटोस्टाइलिक जॉ मीन्स फिश का जो जॉ रहता है वो ऑटोस्टाइलिक जॉ रहता है, पूरा ओपन हो सकता है। इंटरनल नेरिस है, नेरिस मीन्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दिस आर द इंटरनल लैटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट जो फिश पे प्रेजेंट रहती है। फिन रे इज अ काउडल फिन, जो पूछ की फिन है काउडल फिन इज अ फिन रे है। एम्फीबियन कैरेक्टर कौन से, लिम्स आर डेवलप एंड ग्रिडल पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल्स आर प्रेजेंट, जो लिम में पेक्टोरल पेल्विक ग्रिडल प्रेजेंट है जो फिश में नहीं रहते, बिकॉज फिश आर लिमलेस। तो बोथ आर कैरेक्टर्स आर डेवलप इन द स्टेगो स्टेजियो। सो दिस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया। तो दिस आर द स्टेगो स्टेजियो, जिसमें फर्स्ट हम लोग पाइसियन के कैरेक्टर, पाइसियन मीन फिश कैरेक्टर, सेकंड इज द एम्फीबियन कैरेक्टर। पाइसियन कैरेक्टर कौन से, ऑटोस्टाइलिक जॉ, इंटरनल एरिस, लैटरल लाइन फिन, फिन रे एंड काउडल फिन। एम्फीबियन कैरेक्टर कौन से, वेल डेवलप लिम्स, पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल्स आर डेवलप। सो दीज आर द कैरेक्टर प्रेजेंट इन द स्टेगो स्टेजियो। सो यू हैव अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कौन सा हुआ था अपना, फिश एंड एम्फीबिया। नेक्स्ट वन इज अ सीमोरिया, सीमोरिया इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टेलिया। सो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टेलिया। नाउ दिस सीमोरिया, ओके, दिस आर द सीमोरिया। सीमोरिया लिव लाइव अबाउट 350 मिलियन ईयर एगो, तो ये अपने अर्थ पे कब प्रेजेंट था, 350 मिलियन ईयर एगो। एंड इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टेलिया। इट ले इट एग्स ऑन द लैंड, तो ये जो एम्फीबिया और रेप्टाइल का है, ये अपने अंडे कहाँ पे देता था, लैंड पे देता था। ओके, एंड स्ट्रक्चर इज लाइक एम्फीबियन, ये एम्फीबियन का जैसे स्ट्रक्चर है, मगर रेप्टाइल और एम्फीबियन का थोड़ा सा क्या है, कॉम्बिनेशन। तो आपको इसके हम दोनों के कैरेक्टर बताता हूँ। सो एम्फीबियन कैरेक्टर कौन से, नाउ इन सीमोरियम स्कल इज फ्लैट, रेप्टाइल में स्कल फ्लैट नहीं रहता। ओके, इंटर टेम्पोरल बोन इज प्रेजेंट, जो रेप्टाइल में प्रेजेंट नहीं रहते। टीथ लैब्रियन ऑल्सो फाउंड इन द ओमर एंड पैलेंटाइन, जो टीथ है वो एम्फीबियन टाइप प्रेजेंट है। ओके, रेप्टाइल टाइप टीथ प्रेजेंट नहीं है। नेक इज वेरी शॉर्ट, क्योंकि रेप्टाइल की नेक थोड़ी लंबी रहती है। एंड नाउ रेप्टाइल के कैरेक्टर कौन से, लिम्स आर मस्क्यूलर एंड राइज मिड वेंट्रली, जो लिम्स है वो मस्क्यूलर है, एम्फीबे के लिम्स इतने मस्क्यूलर रहते नहीं है। स्कल इज एनापसाइड, स्कल जो है वो एनापसाइड से टुकड़े टुकड़े से बना है। पेल्विक गर्डल इज अटैच टू द वर्टिबल कॉलम, पेल्विक गर्डल जो है ओके वो किससे अटैच है, वर्टिबल कॉलम बाय द सैक्रल वर्टिब्रा। ये एम्फीबियन का कैरेक्टर नहीं, ये रेप्टाइल का कैरेक्टर है। पेल्विक गर्डल अटैच टू द वर्टिबल कॉलम बाय द सैक्रल वर्टिब्रा। सो दीज आर द सीमोरिया एम्फीबियन कैरेक्टर एज वेल एज रेप्टाइलियन कैरेक्टर। तो एम्फीबियन कैरेक्टर वन सेकंड रिपीट, स्कल इज फ्लैट, इंटर टेम्पोरल बोन इज प्रेजेंट, टीथ आर लैब्रिथाइन, ओके, नेक इज शॉर्ट, रेप्टाइलियन कैरेक्टर कौन से, लिम्स आर मस्कुलर, अराइज फ्रॉम द मिड वेंट्रली, स्कल इज एनअपसाइड,
पेल्विक रिडल इज अटैच टू द वर्टिबल कॉलम. सो दिस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टालिया. नाउ द नेक्स्ट, हम लोगों ने अभी तक कौन सा स्टडी किया? स्टेगोस्टेजिया, जो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया था. सेकंड है हम लोग सीमोरिया, इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टालिया. नाउ द नेक्स्ट वन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स. सो दीज आर द बेस फेमस एग्जाम्पल ऑफ आर्चियोटेरिक्स. आर्चियोटेरिक्स है द बर्ड्स. आप लोग जुरासिक मूवी देखा होगा, जुरासिक मूवी में उड़ते हुए बर्ड दिखे, ऑल दीज आर द आर्चियोटेरिक्स. सो आर्चियोटेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड एव्स. रेप्टाइल एंड एव्स, इसमें रेप्टाइल के कैरेक्टर भी पाए जाते हैं और एव्स के कैरेक्टर. ये कनेक्टिंग लिंक है, मिसिंग लिंक है. जो रेप्टाइल मीन्स फिश से एम्फीबियन डेवलप है, एम्फीबियन से रेप्टाइल डेवलप है, रेप्टाइल से क्या डेवलप हो रहा है अभी, एव्स. सो नाउ यहाँ पे थोड़े डायग्राम में दिए, विंग्स में क्लॉज प्रेजेंट है, टूथ बीक में क्या है, टीथ प्रेजेंट है, लॉन्ग टेल बोन प्रेजेंट है, रेप्टाइल के कैरेक्टर्स. और हम लोग वन बाय वन कैरेक्टर देते हैं आर्चियोटेरिक्स. सो नाउ यहाँ पे जो फॉसिल जो डायग्राम दिए, ओके, ये आर्चियोटेरिक्स की फॉसिल से ऊपर वाला डायग्राम नीचे बनाया हुआ डायग्राम है, ओके. रेप्टाइल कैरेक्टर कौन कौन से प्रेजेंट है आर्चियोटेरिक्स में? रेप्टाइल कैरेक्टर में थिक बोन, एव्स में थिक बोन नहीं रहते, कि उड़ने की कैपेसिटी उतनी नहीं मिलती, वजन ज़्यादा बढ़ जाता है. तो मगर रेप्टाइल में थिक बोन है, आर्चियोटेरिक्स में भी थिक बोन पाए गए. टीथ आर प्रेजेंट इन द बीक, टीथ आर प्रेजेंट. बर्ड्स में कभी टीथ नहीं रहता, ओनली बीक इज प्रेजेंट. बट नाउ इन दिस आर्चियोटेरिक्स टीथ आर प्रेजेंट इन द बीक. लॉन्ग बोनी टेल, इसकी जो बोनी टेल है वो कैसी है? लॉन्ग मीन्स किसी भी आप लोग उस बर्ड्स को देखोगे तो उसके टेल में बोन्स नहीं रहता है, मगर आर्चियोटेरिक्स में क्या था? टेल बोन प्रेजेंट, ओके. नाउ अभी इसके हम लोग रेप्टाइल कैरेक्टर देख रहे हैं. रेप्टाइल कैरेक्टर में हम लोगों ने फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा देखा? थिक बोन, टीथ आर प्रेजेंट इन द बीक, लॉन्ग बोन्स, एब्डोमिनल रिब प्रेजेंट है. बर्ड्स को एब्डोमिनल रिब प्रेजेंट नहीं रहते, ओके. रिब्स विद अ सिंगल हेड, रिब विद अ सिंगल हेड. सो दीज आर द रेप्टाइल कैरेक्टर्स. नाउ एंड दूसरा, हाइंड लिम हैड फोर डिजिट्स क्लॉ. इसको हाइंड लिम में देखो, यहाँ पे फोर डिजिट क्लॉ प्रेजेंट है, जो सिर्फ रेप्टाइल में ही पाए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज अ एवियन कैरेक्टर, बर्ड्स कैरेक्टर. बर्ड्स कैरेक्टर कौन कौन से? प्रेजेंस ऑफ फेदर एज अ एग्जोस्केलेटन, फेदर प्रेजेंट है. स्कल बोन इज कम्प्लीटली फ्यूज, स्कल बोन बर्ड में भी फ्यूज रहता है, तो एवियन कैरेक्टर में स्कल बोन इज कम्प्लीटली फ्यूज, जो रेप्टाइल में नहीं रहता है, ओके. जॉ मॉडिफाई इन टू द बीक, जॉ किस में मॉडिफाई है? बीक. फोर लिम मॉडिफाई इन टू द विंग्स, फोर लिम किस में मॉडिफाई है? विंग्स में. लिम बोन्स आर द फर्स्ट टो अपोजिबल, जो लिम बोन्स है उसका जो फर्स्ट टो है अपोजिबल. आप लोग मुर्गी की टंगड़ी देखोगे, टांग देखोगे, तो उसके पीछे क्या रहता है? लिम बोन्स थोड़ा फर्स्ट टो प्रेजेंट रहता है और अपोजिट रहता है, ओके. फुट विद द क्लॉ डिजिट्स, जो फूट है उसको क्लॉज डिजिट्स प्रेजेंट है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्चियोटेरिक्स. तो हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कैरेक्टर देखते हैं. रेप्टाइल कैरेक्टर कौन कौन से प्रेजेंट है? टीथ आर प्रेजेंट, थिक बोन, बोन्स आर थिक, रिब विथ सिंगल हेड, एब्डोमिनल रिब्स, लॉन्ग बोनी टेल. बर्ड्स के कैरेक्टर कौन से हैं? फेदर्स आर प्रेजेंट, बॉडी इज इलांगेटेड, ओके. फोर लिम इज मॉडिफाइड टू द विंग्स, स्कल बोन इज कम्प्लीटली फ्यूज, जॉ मॉडिफाइड टू द बीक, फोर लिम मॉडिफाइड टू द विंग्स, लिम्स बोन हैव देयर फर्स्ट टो अपोजिबल. फर्स्ट टो कैसा है? लिम बोन का अपोजिबल है, जो बर्ड में पाया जाता है. फुट विथ क्लॉ डिजिट, फुट विथ क्लॉ डिजिट. ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट इन द आर्चियोटेरिक्स. सो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक. इस दोनों कैरेक्टर से क्या हम लोग बोल सकते हैं? लास्टली, इट इज अ आर्चियोटेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड एव्स, ओके. सो ये कनेक्टिंग लिंक है. तो अपना तीन स्ट्रक्चर हुआ कनेक्टिंग लिंक का. सो नाउ दीज आर आर्चियोटेरिक्स. आपको जो बर्ड्स दिखा है, आपको कैरेक्टर देखे दोनों, इसमें आप लोग इजीली देख सकते हैं डायग्राम में. रेप्टाइल के कैरेक्टर, बीक में टीथ प्रेजेंट है, ओके. फोर लिम
में क्लॉ प्रेजेंट है, विंग क्लॉ प्रेजेंट है जो रेप्टाइल में रहता है, ओके, टेल बोन प्रेजेंट है. सो दीज आर द रेप्टाइल कैरेक्टर. उसके कैरेक्टर फेदर्स प्रेजेंट है, या फिर कुछ स्केल प्रेजेंट है रेप्टाइल जैसे, उसके वो रेप्टाइल का कैरेक्टर है. बिग प्रेजेंट विथ मॉडिफाइड फोर लिम्स मॉडिफाइड टू द फेदर विंग्स. जो लिम्स प्रेजेंट है हैविंग अपोजिबल टोज. ओके, ऑल दीज आर द कैरेक्टर रिजेंबल कैरेक्टर बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स. सो फाइनली दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड एव्स. तो हम लोगों ने तीन आज कनेक्टिंग लिंक देखा, एंड द पैलेंटोलॉजी का जो एग्जाम्पल था वो आज कंप्लीट हो गया. सो नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी आर स्टार्टेड अबाउट द एविडेंसेस फ्रॉम द कंपैरेटिव एनाटॉमी. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, थैंक यू.